पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। उस वक्त मराठा काफी ताकतवर थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सदाशिव राव ने मराठों का नेतृत्व किया था। 14 जनवरी 1761 को हुए इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने भी दिया था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा जीतते जीतते हार गए, जिसकी कई वजहें रहीं। राजा सूरजमल ने युद्ध शुरू होने से पहले मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे सदाशिवराव भाऊ को कई सलाह दिए थे। रणनीति बनाने में माहिर राजा सूरजमल ने कहा था कि अब्दाली की सेना पर अभी हमला करना ठीक नहीं है। सूरजमल की राय थी कि अब्दाली की सेना आसानी से सर्दी सह लेगी, लेकिन वो गर्मी नहीं सह सकते, इसलिए गर्मी के दिनों में उन पर हमला करना ठीक रहेगा। लेकिन सदाशिवराव नहीं माने। जनवरी की ठिठुरती सर्दी में मराठा सैनिकों के पास सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े कम हो गए, जबकि अब्दाली की सेना चमड़े के जैकेट पहनकर आई थी। भीषण सर्दी में भी वो बचे रहे। मराठा सेना में सैनिकों के साथ स्त्रियां और बच्चे भी चल रहे थे। उस वक्त युद्ध में जाने वाले सैनिकों के साथ ही महिलाएं तीर्थ यात्रा पर भी निकल जाती थी। सैनिकों के साथ होने की वजह से डकैतों का खतरा नहीं रहता था। महाराजा सूरजमल की सलाह थी कि स्त्रियां और बच्चों को साथ लेकर चलना ठीक नहीं है, इससे युद्ध में ध्यान बटेगा। लेकिन सदाशिव राव ने उनकी एक भी सलाह नहीं मानी। राजपूत राजाओं और गैर मराठा राजाओं ने भी तटस्थ रहकर युद्ध का नतीजा देखने का फैसला किया। जब तक लड़ाई बड़े और निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाती, वो इस युद्ध में शामिल होने को तैयार नहीं हुए।